गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कॉलेज की ये इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास है। सो इसके अंदर TSN कॉलेज वेलकम करता है आप लोगों का। TSN की BA/BEd की फर्स्ट ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास है और इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो आई थिंक आप लोगों ने सबने देख रखा है। इसके अंदर इकोनॉमिक्स में दो पेपर्स हैं। फर्स्ट पेपर है इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंड मेथड्स एंड सेकेंड है माइक्रो इकोनॉमिक। तो इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग जो पढ़ना शुरू कर रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमिक के बारे में इसका फर्स्ट चैप्टर यूनिट फर्स्ट है। इसमें यूनिट फर्स्ट में इकोनॉमी एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी सिस्टम बताया गया है। इसके अंदर इकोनॉमी बताई गई है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि वॉट इज इकोनॉमी, कि इकोनॉमी होती क्या है। तो इस चीज़ को आज मैं आपको कंसल्ट कर रही हूँ अच्छी तरह से। एक बार आप वापस से अपना ढंग से स्टार्टिंग करें। हम मुझे नहीं पता आप लोग हिंदी मीडियम के इंग्लिश मीडियम के, बट मैं दोनों ही कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्लियर कर रही हूँ। सो आप लोग इसे ईजीली देखें। कॉन्सेप्ट है आपका कि इकोनॉमी क्या होती है। सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज इकोनॉमी, इकोनॉमी होती क्या है। इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होता है कि हमारे पास इसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन से टाइप्स आते हैं। बट यहाँ पर एक सेकेंड क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक। तो मेन चीज ये है कि हमारे पास इसके अंदर ये दो क्वेश्चन मेन आ रहे हैं इस चैप्टर के अंदर कि मेरे पास कि मैं इकोनॉमी और इकोनॉमिक में अंतर करूं, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ सके। इसके लिए मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि एक आपको डेफिनेशन बता रही हूँ मैं। पीपल आर ऑलवेज बिजी बाई डूइंग देयर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपको पता है जनता अपना काम करती रहती है, परंतु क्या होता है वो जो काम है वो किस लिए किया जा रहा है, एक्टिविटीज़ के द्वारा। कोई भी काम, हर इंसान अपने पेट भरने के लिए कोई ना कोई काम करता है। वो काम क्या है, कैसे करता है, किस ढंग से वो करता है, तो इसका एक आ जाता है कि इसके अंदर दो एक्टिविटीज़ होती हैं। एक तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आज जब हम काम करेंगे तभी हमें पैसा मिलेगा, और इस चीज़ को हम मानते हैं कि हम कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो वो कैसे करेंगे, हम इसी ढंग से कर पाएंगे कि हमारे पास पैसा हो। यदि बिना पैसे के हम कोई चीज़ नहीं परचेज कर सकते हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या कहलाती है, जो मनी से रिलेटेड होती है, पैसे से रिलेटेड होती है, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। सेकेंड हमारी आती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो हम लेबर करते हैं, हम अपना काम करते हैं, हम मेहनत करके फिजिकल या मेंटली जो हम काम करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आता है। मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी मनी से रिलेटेड होती है। ये मैंने आपको अभी बताया कि यदि हमारे पास मोबाइल ख़रीदना है तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए। तो जो हम काम करेंगे वो किसके लिए कर रहे हैं, हम पैसे के लिए। जब हम पैसा कंप्लीट हमारे पास आएगा तो हम अपनी डिमांड्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो बाय डूइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी पीपल अर्न देयर ब्रेड एंड बटर एंड सेटिस्फाइड देयर अनलिमिटेड वॉन्ट्स। आपको पता है ह्यूमन के पास सबसे पहले एक ही चीज़ होती है जो कि है अनलिमिटेड वॉन्ट्स। उनके पास वॉन्ट्स बहुत ज़्यादा होती है। वॉन्ट्स मतलब अपनी इच्छाएं। एक इच्छा पूरी करी दूसरी इच्छा चालू हो जाती है, दूसरी इच्छा पूरी करी तीसरी इच्छा चालू हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं कि हमारी अनलिमिटेड वॉन्ट्स होती है, जो कौन पूरा करता है, मनी पूरा करता है हमारा। और मनी के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, और उस पैसे के लिए हमें काम करना पड़ता है। अब इसके अंदर एक चीज़ आती है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो होते हैं लिमिटेड। लिमिटेड मतलब आज पैसा लिमिट है, चीज़ें अनाप शनाप खरीदनी है हमें, तो हम उस चीज़ को अनलिमिटेड हमारी क्या होती है, रिसोर्सेज हमारे पास कम्प्लीटली कम होते हैं, और हमको उनको यूटिलाइज जो करना है वो हम किस ढंग से करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। तो एक चीज़ है इकोनॉमिक्स के अंदर, हम मेन चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर चार चीज़ें मेन होती है। सबसे पहली आती है प्रोडक्शन,
दूसरी आती है कंजप्शन, तीसरी आती है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, एंड चौथा आता है हमारा एक्सचेंज एंड ट्रेड। हम चार चीज़ों के लिए काम करते हैं। सबसे पहले हम उत्पादन करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, कंजप्शन होता है, उस कंजप्शन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कैसे लोगों के पास पहुँचे, चौथा हम उन्हें एक्सचेंज करते हैं कि मुझे जिस चीज़ की डिमांड है मैं दूसरी चीज़ उनसे ले सकूं। तो इकोनॉमिक इज अ सिस्टम, इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। मतलब कि उस एरिया के जो हमारा सारा है, इसकी एक डेफिनेशन मैं आपको और पढ़ के बता रही हूँ कि उसमें क्या होता है। इकोनॉमी इज अ नेटवर्क सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट इकोनॉमिक एजेंट ऑफ ए गिवन ज्योग्राफिकल एरिया। ये हमारी एक इकोनॉमिक वॉन्ट्स होती है जो हम कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर आपको अब एक चीज़ है, अब सेकंड क्वेश्चन हमारा वापस आता है कि हम इकोनॉमी और इकोनॉमी में कैसे हम डिफरेंस करते हैं। मेन पार्ट हमारा जो क्वेश्चन का था वो था इकोनॉमी और इकोनॉमिक में अंतर। अब इकोनॉमिक से अंतर हमारा ये मानते हैं हम कि इकोनॉमिक हमारा क्या है, हाउस होल्ड चीज़ों से संबंधित है। घर की जो चीज़ें, हम कोई भी चीज़, हमारी जो वॉन्ट्स होती है वो क्लियर किसके द्वारा की जाती है, हाउस होल्ड के द्वारा। हाउस होल्ड चीज़ें, इसीलिए मैंने आपको इसके अंदर लिखा है एच एच से मीनिंग आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी से है। इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, जो कौन सी आती है, कैसे होती है, ये स्टडी। मैंने इसमें आपको बताया था हमारे पास मनी है वो अनलिमिटेड नहीं है, वॉन्ट्स हमारी अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, बहुत कम है, उन्हें हम यूटिलाइज किस ढंग से करेंगे ये हमें पता है। इसके बाद आता है आपका रिसोर्सेज तो है। अब मान लो एक कंट्री है, उस कंट्री के अंदर लोगों को क्या क्या चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे पहले हमारी जो डिमांड होती है वो किसके द्वारा पूरी होती है, वो हमारी होती है गुड्स और सर्विसेज के द्वारा। वो गुड्स और सर्विसेज कंट्री में हर इंसान को चाहिए, वो हर लिविंग बींग को चाहिए। जो हम हमारा आज हम चीज़ खरीदते हैं, आज मैंने मान लो रेफ्रिजरेटर खरीदा, रेफ्रिजरेटर खरीदना मेरी क्या हो गई, वो मेरा एक लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाती है। जब मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए काम करती हूँ। और हमारी बेसिक नीड्स किसके द्वारा पूरी होती है, बेसिक नीड्स हमारी जो रिसोर्सेज के द्वारा पूरी होती है। जब हमारे पास मनी आएगी, जितना हमारा मनी आएगी उतना हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो आपके जो चार चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई है, सबसे पहले कंट्री, कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड होगी तभी कोई इंसान काम कर पाएगा। वो गुड्स एंड सर्विसेज पाने के लिए उसे क्या चाहिए, मनी। और मनी रिलेटेड कैसे होती है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड से। मतलब कि हम ये चीज़ मानते हैं कि हमारा जब गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्राप्त होती है तो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। इसके द्वारा हमारी क्या नीड्स होती है, बेसिक नीड्स कंप्लीट होती है। वो बेसिक नीड्स हमारी, हम ये मानते हैं, किसके द्वारा कंप्लीट होती है, जब हमारी इनकम बढ़ती है। इनकम कब बढ़ती है, जब हमारी सोसाइटी हमारे को ऊपर उठाती है। और आपको मालूम है गुड्स एंड सर्विसेज डायनामिक होती है, डायनामिक मतलब चेंज होती रहती है। आज मेरे पास, पहले हेडफोन नहीं था, आज मेरे पास हेडफोन भी है। पहले आप लोगों के पास क्या था, आप लोगों के पास लैपटॉप नहीं था, परंतु ऑनलाइन क्लासेस ने आप लोगों को सबको, ये आपकी एक बेसिक नीड हो गई है जो कि आप क्लासेस लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है वो कौन उत्पादक कर प्रोड्यूस की जाती है, हर चीज़ सर्विस। आज मान लो मैं बीमार हुई तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी, मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ी, तो हॉस्पिटल मुझे उसके लिए मुझे एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ी। तो ये हमारी एक बेसिक सर्विस हो गई है। गुड्स मैंने आपको बता दिया कि मुझे दूध की आवश्यकता है तो वो, मुझे फ्रिज की आवश्यकता है तो मुझे चाहिए। तो गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब मैंने आपको बता दिया, लिविंग स्टैंडर्ड मैंने आपको बता दिया, बेसिक नीड्स जो हमारी मूल आवश्यकताएं हैं वो मैंने आपको बताई है। ये सब किससे रिलेटेड है, इनकम से। यदि मेरी इनकम बढ़ती है तो मैं ये चेंज कर सकती हूँ। तो मतलब कि ये सब किस पे डिपेंड है, डायनेमिक पे, ये सब चेंज होते रहते हैं। मनी से रिलेटेड लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, सब कुछ छोड़कर हमारे पास आ जाता है मनी,
जो कि हमारी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करता है। ये तो हुआ हमारा इकोनॉमिक के बारे में। मैंने आपको अभी सिर्फ इकोनॉमी के बारे में बताया है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मैं बता चुकी हूँ आपको। मैंने सिर्फ इकोनॉमिक के बारे में अभी आपको बताया है, जो मैंने रिलेटेड किया हाउस होल्ड एक्टिविटीज से। अब आ जाइए इकोनॉमी। इकोनॉमी एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा। इकोनॉमी क्या होता है? इकोनॉमी में ये माना गया है कि कोई भी चीज हम आज उसे एक, ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ ये इकोनॉमिक क्या है, एक कंप्लीट वर्ड है। जबकि इन और इकोनॉमी ये क्या है, एक इनकम्प्लीट वर्ड है। कैसे? आज मैंने इकोनॉमी बताया कि ये हमारी इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था है। जबकि मैं यहाँ पर बोलती हूँ इंडिया की इकोनॉमी, तो वो किसी देश से रिलेटेड है, इसीलिए ये इनकम्प्लीट वर्ड है। यहाँ किसी कंट्री के बारे में बताया जाता है। जब कोई कंट्री रिलेटेड होती है किसी से, तो उसकी अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात कर सकते हैं, तो ये एक इनकम्प्लीट वर्ड है। सेकेंड आ जाता है हमारा थ्योरी। ये थ्योरी पे डिपेंड है। इकोनॉमी किस पे डिपेंड है? थ्योरी पे पूरा। मान लो ये पेन मैंने गिराया, तो ये रिलेटेड किया हमारी एक ग्रेविटेशनल फोर्स से, तो मतलब कि ये थ्योरी से रिलेटेड होता है। जबकि ये एप्लीकेशन से रिलेटेड होता है, ये डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड होता है, मांग और पूर्ति से। जब हमारी मांग बढ़ती है तो सप्लाई अगर कम होती है तो प्राइस बढ़ जाता है। ये हमारा रिलेटेड करता है एक डिमांड कर्व से, तो ये चीज़ हमें बतानी है। इसीलिए ये तो होता है एप्लीकेशन से रिलेटेड और ये हमारा थ्योरी से रिलेटेड है। सो ये कॉन्सेप्ट आपको आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। मैं सोचती हूँ इस चीज़ को आप, इस टॉपिक को आप रिलेटेड करें। दिस इज़ फिनिश योर फर्स्ट टॉपिक ऑफ BA BEd फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स। आपका यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक आज मैंने क्लियर करा है। थोड़ा सा इसे रिलेटेड करें। आपको टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। इसीलिए आप कंप्लीट करिए, अपने व्यूज़ देना मुझे आपके। जब इसके, जब यह आपका ग्रुप में शेयर होगा लिंक, तब आप मुझे इसके कॉन्सेप्ट के, आपको क्लियर हुआ है या नहीं, इसके व्यूज़ ज़रूर दीजिए प्लीज़ बेटा। ओके, थैंक यू।